टुडे वी डिस्कस अबाउट डायबिटीज मेलिटस और आज डिस्कस करेंगे डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। डायबिटीज मेलिटस होती है जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, पर्सन का जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, हाई ब्लड शुगर जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको अपन डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में इसमें टाइप फर्स्ट है जो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, सेकेंड वन है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और थर्ड वन है डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड विद कंडीशन, और फोर्थ वन है इसका गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे टाइप वन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस क्या होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के अंदर ऑटो इम्यून बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय डिसऑर्डर हो जाती है, मतलब जो ऑटो इम्यून है, जो ऑटो इम्यून का मतलब ये है जो अपनी खुद की सेल है जो एंटीजन एंटीबॉडी मतलब अपनी बॉडी के अंदर है उसमें जो बॉडी है जो उसको सेल्फ जो बॉडी सेल्फ इम्यून सिस्टम है जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, बॉडी को पता नहीं पता कि ये अपना बैक्टीरिया है या जो अपनी खुद की सेल है वो उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉय डिसऑर्डर हो जाती है। उसमें जो बीटा सेल्स है उसमें अपने को नीड एक्सटर्नल इंसुलिन, नीड एक्सटर्नल इंसुलिन मतलब है जो एब्सोल्युटली इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है उसमें, इसके अंदर अपने देखते हैं एब्सोल्युटली इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है इसमें। इसके अंदर क्या होता है जो इंसुलिन सेल होती है जो इंसुलिन की जो इंसुलिन जो प्रोडक्शन करती है बीटा सेल्स उसका जो प्रोडक्ट जो बीटा सेल्स होती है वो उसका प्रोडक्ट जो पैनक्रियाटिक आईलेट्स है या अपने बोल सकते हैं लैंगरहैंस सेल्स है, जो बीटा सेल्स का इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो इंसुलिन जो हाई ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस कर देती है, उसको अपन बोलते हैं टाइप वन। सेकेंड वन देखते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें अपने को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है जो नॉन इंसुलिन है, इसके अंदर 90% केसेस में ये इंडिया में पाया जाता है, और जो इससे टाइप वन इंसुलिन है इसको जुवेनाइल इंसुलिन भी बोलते हैं, जुवेनाइल क्योंकि ये बच्चों में कंडीशन टाइप वन पाई जाती है। जो टाइप टू है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है वो 90% केसेस है जो इंडिया में पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है इसके अंदर जो इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन एजेंट इनहिबिटर होते हैं, जो इंसुलिन जो इसके अंदर जो बॉडी इनफ है जो सेल प्रोड्यूस होती है उसमें जो बॉडी की सेल्स है वो रेजिस्टेंस हो जाती है, इससे इसमें सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी के अंदर जो डिक्रीज हो जाती है बॉडी में, उसको अपन बोलते हैं एजेंट आर द गिवन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड वन बोलते हैं डायबिटीज एसोसिएटेड अदर कंडीशन, डायबिटीज एसोसिएटेड अदर कंडीशन में क्या होता है पैनक्रियाटिक इसमें जो पैनक्रियाज होते हैं उसको अपन रिमूव कर देते हैं, उससे क्या होगा उसके अंदर जो बीटा सेल्स है वो बनेगी नहीं, जो डेल्टा सेल अल्फा सेल बनेगी तो अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अदर कंडीशन इसमें एसोसिएट होती है। फोर्थ वन अपन देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इसमें कहते हैं जो ये कंडीशन है जब अपन प्रेगनेंसी होती है 20 या 24 वीक के अंदर तब अपने को पता लगता है कि पेशेंट डायबिटीज मेलिटस है, पेशेंट को कंडीशन है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये अपन ने देखा डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, इसमें पेशेंट अपने जो पेशेंट है उसको जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसमें अपन ने फिर क्लासिफिकेशन देखा टाइप वन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, सेकंड देखा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, थर्ड देखा अपने डायबिटीज मेलिटस एसोसिएटेड कंडीशन, थर्ड फोर्थ अपन ने गेस्टेशनल डायबिटीज कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलिटस, टाइप वन में देखते हैं मतलब टाइप वन में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर मींस हो गया कोई वायरस या कोई मतलब कोई वायरस है जो अपनी बॉडी के अंदर इम्यून प्रोसेस में मतलब बॉडी के अंदर आ गया, उससे क्या होगा जो अपनी जो बॉडी की सेल्स है वो अपने मतलब नॉर्मल एंटीबायोटिक
एंटीबॉडी या दूसरी सेल्स को नहीं मतलब समझ नहीं पा रही है उसकी उसकी, तो उससे क्या होगा जो बीटा सेल्स होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं अपने एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर कोई वायरस आ गया जो ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसमें जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे क्या होता है हेल्थ मेंटेनेंस अपन कैसे करेंगे, हेल्थ मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर एट द नॉर्मल लेवल, ब्लड शुगर जो नॉर्मल लेवल कितना होगा इसका जो नॉर्मल लेवल होगा 140 mg पर डेसीलीटर, और इससे अगर ज़्यादा होता है 200 mg पर डेसीलीटर से, ये तो नॉर्मल है उससे ज़्यादा देर 200 mg पर डेसीलीटर। सेकंड अपन देखेंगे प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया बाय क्लोजली मॉनिटर द ब्लड शुगर लेवल एंड टेकिंग अर्ली एक्शन, मतलब और अपन इसको प्रिवेंटिंग कैसे कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन करके अर्ली पता लगे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर अपन देख सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया को ऑब्जर्व करके ब्लड शुगर लेवल को अर्ली डिटेक्शन से। थर्ड अपन देखते हैं परफॉर्मिंग डेली फूड केयर, फूड केयर के अंदर क्या होगा जो अगर पेशेंट है डायबिटीज ब्लाइंडर्स का पेशेंट है उसमें क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होगा जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम आएगी अगर लॉन्ग टर्म तक इसमें अगर ये हील नहीं किया गया तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो नर्व है वो डैमेज होगी, उससे क्या होगा नर्व डैमेज होगी तो उससे न्यूरोपैथी हो सकती है। पर अपन देखते हैं फिर प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करके यदि इस फैक्टर को मिनिमाइज करके अपन इनको फैक्टर को कम कर सकते हैं जैसे स्मोकिंग होगी, हाइपरटेंशन हो गया और एल्कोहलिज्म हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्ली एग्जामिनेशन के अंदर, अर्ली डिटेक्शन जैसे पता है ऑप्टिमल एग्जामिनेशन मतलब अपन को ईयरली ईयर सिक्स मंथ से आई का चेकअप कराना चाहिए, अगर कोई डिटेक्शन अगर पता लगता है जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे रेटिनोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी होती है उससे क्या होगा जो वहाँ की जो ब्लड जो हाई ब्लड शुगर है उससे सेल डैमेज होगी, सेल डैमेज से जो बीटा सेल्स है वो इंक्रीज होगा उससे सेंसिटिविटी हो सकती है पेशेंट को। अपन ये देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के अंदर एटियोलॉजी फर्स्ट के अंदर अपन ने डायबिटीज मेलिटस प्रेजेंस के अंदर टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 के अपन देखते हैं नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस। इसके अंदर क्या होता है इट इन्वॉल्व्स बोथ जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर एंड ओबेसिटी, जो जेनेटिक फैक्टर जो जेनेटिक मतलब इसके अंदर क्या होता है बोथ जेनेटिक फैक्टर होते हैं और जो एनवायरमेंटल अंदर फैक्टर होते हैं वो जैसे ओबेसिटी। डाइट मैनेजमेंट क्या करेंगे इसके अंदर पेशेंट के ऊपर अवॉइडेंस ऑफ फूड रिच इन रिफाइंड शुगर एंड सैचुरेटेड, जो हाई शुगर है और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो पेशेंट को अवॉइड करेंगे देने के लिए। मेंटेनिंग क्या करेंगे इसमें पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो मेंटेन करेंगे, किससे करेंगे BMI बॉडी मास इंडेक्स से मेंटेन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट स्क्रीनिंग हाई रिस्क ग्रुप, जो भी हाई रिस्क ग्रुप है जैसे पेशेंट की हाइपरटेंशन है हाइपरलिपिडेमिया पेशेंट को उनको जो इनकी रिस्क मतलब जो रिस्क फैक्टर है उनको मिनिमाइज करेंगे या उनको रिमूव करेंगे। वुमेन विद प्रीवियस गेस्टेशनल डायबिटीज, वुमेन इसका इसका मींस ये जो डिलीवरी के टाइम या गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रीवियस में पता लगी है उससे अपन पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज अवॉइड करेंगे। फिर अपन करेंगे पीपल हैविंग हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर पास्ट में कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पता करेंगे। एज ओवर एज 40 मतलब 40 ईयर के बाद या 40 ईयर पता 40 ईयर तक अगर डायबिटीज मेलिटस कंफर्म हो जाता है तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप का है और जो ओबेसिटी है उसको अपन कंट्रोल करेंगे। अपन ये देख रहे हैं नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस के अंदर इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर है इससे अपने को ओबेसिटी जैसे पता लगा जैसे डाइट ऑफ इसमें अवॉइडेंस ऑफ द फूड एंड ब्रिज है उसको अपन पता करेंगे, सैचुरेटेड फैटी को अवॉइड करेंगे, पेशेंट को जो बॉडी वेट है उसको बॉडी मास इंडेक्स द्वारा अपन देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे अगर पेशेंट को हाई रिस्क ग्रुप है जैसे इसमें हाइपरटेंशन है हाइपरलिपिडेमिया है पेशेंट को वुमेन की जो प्रीवियस हिस्ट्री है गेस्टेशनल या बॉडी वेट है जैसे ओबेसिटी है उसको अपन कवर अप करेंगे। अपन फैक्टर देखेंगे फिर इसमें अपन देखते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा जैसे डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रहा है, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का मीन्स काफ़ी स्लो हो जाएगा अपनी जैसे स्केलेटल मसल्स है अपने कार्डियक सेल्स है
स्केलेटन कार्डियक मसल्स है उसमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज रिक्वायर होता है ब्लड ग्लूकोज टिश्यू में, उसके अंदर अपन को ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है। और अपन इस किसमें देखते हैं जो इंसुलिन है उसको लेस अमाउंट में जो रिड्यूस होता है, और जो लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे किडनी के अंदर बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स रेस्पॉन्स करती है जो बैलेंस उसको मेंटेन करती है, जो एक्सेसिव है जो यूरिन उसको एक्सक्रीट करती है, उससे अपनी क्या कंडीशन अराइज होती है जैसे ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। जैसे ग्लाइकोज यूरिया लेके और जैसा टू की कंडीशन देती है, एक तो अपने को पॉली यूरिया मिलेगा और ये अपने को मिलेगा पॉली यूरिया। पॉलीटिप्सिया मतलब इंक्रीज यूरिनेशन लगेगा पेशेंट को, बारी बारी यूरिन जाएगा, और पॉलीटिप्सिया मतलब पेशेंट को क्रस्ट फील होगी। पॉलीटिप्सिया मतलब उसको जो ओवरफ्लो है वो बाहर निकलेगा यूरिन के द्वारा। अपने डिस्कस किया नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। डायबिटीज मतलब कैसे अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में अपन टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज माइनस में देखेंगे, जैसे इंसुलिन का लैक हो रहा है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो रही है, उसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे डायबिटीज में, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, बीटा सेल्स डिक्रीज होगी उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है उसको बीटा मतलब डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाई मसल्स फैट एंड लीवर के अंदर, उससे क्या होगा डिक्रीज प्रोटेक्शन बाई लीवर, तो लीवर का प्रोटेक्शन हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट में। हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर क्या होगा पेशेंट में ब्लड प्रेशर आएगा, अगर ब्लड प्रेशर आएगा तो वो रेटिनोपैथी देगा, जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है उससे रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी देगा क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज है इसके अंदर। फिर अपन देखेंगे पेशेंट का जो इंक्रीज यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन होगा तो उससे यूरिनेशन होगा तो उसका क्या सिम्टम आएगा, इसको कंडीशन बोलते हैं पॉली यूरिया, पेशेंट में पॉली यूरिया देखने को मिलेगा। अगर पॉली यूरिया हो रहा है ज़्यादा मतलब ग्लूकोज की कमी हो रही है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा पॉली डिप्सिया। पॉली डिप्सिया पेशेंट को थ्रस्ट करेगी बहुत ज़्यादा, फिर उससे क्या होगा वीकनेस आएगी पेशेंट को, डिहाइड्रेशन और पेशेंट को हेडेक। ये अपन ने देखा, सेकंड अपन देखते हैं मतलब इंक्रीज ब्रेकडाउन, अपन ने देखा ग्लूकोज का, अब फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, इंक्रीज फैट का ब्रेकडाउन होगा उससे क्या होगा तो फैटी एसिड है वो इंक्रीज होंगे, उससे कीटोन बॉडी आएगी, कीटोन बॉडी से एसिडोसिस होगा, तो पेशेंट में एसिडोसिस होगा तो क्या होगा रेस्पिरेटरी जो फैट है जो उसका भी ब्रेकडाउन होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा। ये अपन ने डिस्कस किया टाइप 1 डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस, सेकंड अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस के अंदर टाइप सेकंड एनवायरमेंटल इन्फेक्शन, अगर किसी को बॉडी में वायरस चला गया उससे अगर एनवायरमेंटल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी आएगी, कमी होगी उसके क्या होगा ब्रेकडाउन होगा फैट का, जो फैट के अंदर सेल्स है वो ब्रेकडाउन होगी, उससे फ्री फैटी एसिड जो लीवर के अंदर फ्री फैटी एसिड है उसका फॉर्मेशन कीटोन बॉडी का, कीटोन बॉडी के अंदर कीटोन इन यूरिन ब्लड में आएगा। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा और ब्लड में मतलब एसिडोसिस इन द ब्लड, जो मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, फिर यूज ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोटीन का ब्रेकडाउन, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज बनेगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपने को देखने को मिलेगा। ये अपन ने देखा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलिटस के अंदर IDDM और नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन। ये अपन ने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट में मेडिकल नर्सिंग और सर्जिकल मैनेजमेंट। राइटर्स पढ़े थे उसमें अपन क्लिनिकल फीचर देखेंगे और पेशेंट में क्या देखेंगे थ्री पी दिखेंगे, थ्री पी मतलब पॉली यूरिया दिखेगा अपने को, पॉली डिप्सिया दिखेगा और पॉली फेजिया दिखेगा। पॉली यूरिया मीन्स होता है इंक्रीज यूरिनेशन, जो पॉली यूरिया होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट।
करने मतलब इंक्रीज थ्रस्ट लगेगी पेशेंट को, बॉडी फेज बॉडी फेज या मींस होता है इंक्रीज एपेटाइट। इंक्रीज एपेटाइट मींस होगा जो पेशेंट है इंक्रीज एपेटाइट पेशेंट को हंगर लगेगी और जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा उसको अपन पॉलीफेजिया के अंदर देखेंगे। फटीग होगा पेशेंट के अंदर, थकावट महसूस होगी, थकावट क्या होगी मेलेज होगा पेशेंट मेलेज होगा, मेलेज में जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा उससे एनर्जी आएगी उसको अपन बोलेंगे मेलेज। वीकनेस होगी पेशेंट के अंदर, सडन रीजन चेंज होगा पेशेंट के अंदर, सडन रीजन का मीन्स है रेटिनोपैथी होगी जो पेशेंट के अंदर ब्लर रीजन दिखाई देगा अपने को। ड्राई स्किन हो जाएगी वैसे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया तो एनर्जी नहीं है तो उसकी वजह से स्किन में जो पेशेंट को अपने को ड्राई स्किन दिखेगी और पेशेंट को डेड हील कर स्लोली जो पेशेंट को ग्लूकोज जो एक्सक्रीट हो रहा है रेटिनोपैथी हो रही है एसिडोसिस हो रही है उसकी वजह से अपने को पेशेंट को कम देखने को मिलेगा। रिग्रेट इन्फेक्शन बार बार पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने को देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, पेशेंट कंप्लेन करेगी बार बार इन्फेक्शन उनको हो रहे पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन मतलब अगेन डायबिटीज चले उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर है इसलिए पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होने का चांसेस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे पेशेंट के अंदर। फास्टिंग ग्लूकोज मीन्स होगा 110 mg/dL और मोर देन 125 पेशेंट में इससे ज़्यादा होगी तो नेक्स्ट अपन देखिए रैंडम ब्लड शुगर में हमने इसको कोई नीड नहीं है प्रिपरेशन की पर 200 mg/dL से ज़्यादा लेना चाहिए ठीक है। रैंडम ब्लड फास्टिंग अपन ने देखी 110 mg/dL से लेकर 125 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मोर देन रैंडम के अंदर 200 मोर देन से ज़्यादा। ग्लाइकोसाइड देखेंगे अपने जो पेशेंट में मॉलिक्यूल्स है उसका अट्रैक्शन हो रहा है उसमें टेस्ट करेंगे अपन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका इंक्रीज आएगा ठीक है इसको ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। ग्लाइकोसाइड तीसरा अपन फोर्थ अपन देखता है ग्लाइकोसाइड एल्बुमिन टेस्ट कराएंगे जो पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना इंक्रीज है उसको अपन देखेंगे। कीटोन यूरिया देखेंगे कीटोन यूरिया मतलब होता है जो अब एनर्जी ग्लूकोज का कंप्लीट होगा उसके बाद फैट की एनर्जी कंज्यूम करेगी बॉडी फैट की एनर्जी से जो इंसुलिन है उसमें क्या होगा पेशेंट को रिड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो मसल्स की एक्टिविटी है वो कमजोर हो रही है ग्लूकोज की वजह से और फैट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर पेशेंट के अंदर अपन प्रोटीन यूरिया देखेंगे प्रोटीन यूरिया मतलब बॉडी के अंदर प्रोटीन की एनर्जी कितनी है वो अपन उसको चेक करेंगे अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है डायबिटीज का डायबिटीज मेलिटस अपन मैनेजमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तीन मैनेजमेंट है फर्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट सेकेंड वन इज द एक्सरसाइज थर्ड वन इज द डाइटरी मैनेजमेंट। फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट अपन देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन इंसुलिन थेरेपी देंगे पेशेंट को। इंसुलिन थेरेपी के अंदर इसका जो टाइम कोर्स है जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो ह्यूमन हो गए ह्यूमन को देंगे इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा इसका 10 to 15 minutes। सेकेंड अपन देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इसको क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं जो रेगुलर इंसुलिन है इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 minutes है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स मतलब कितनी टाइम में एक्शन करेगा वो। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है इसको रेगुलर इंसुलिन आर भी बोलते हैं इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 3 to 4 hours तक रहेगा। फोर्थ वन है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इसके अंदर जो है अल्ट्रा लेंथ इंसुलिन है इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 6 to 8 hours रहता है। जो स्पेशल इंसुलिन है वो फ्रॉम ब्रीफ मतलब गाय से और पिग सुअर से बनाया जाता है जो ह्यूमन इंसुलिन यूज करते हैं। फिर अपन देखते हैं इसकी डोज मतलब जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके अंदर अपन डोज देखते हैं ह्यूमन इंसुलिन के अंदर जो यूनिट आती है वो 0.5 units per kg per day मतलब जो ह्यूमन इंसुलिन है वो 0.5 units per kg per day वो अपन यूज़ करते हैं। फिर अपन इसमें देखते हैं इसकी जो 2 to 3 dose होगी या 1 to 3 dose होगी वो इसकी अपन पेशेंट को गिवन करेंगे जो कॉम्बिनेशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है पेशेंट को उसमें अपन देखेंगे इसके अंदर पेशेंट को क्या क्या कंडीशन डेवलप होगी जो ओरल अपने
इसमें डायबिटिक एजेंट हो गए, जैसे कॉम्बिनेशन हो गए, इंसुलिन सेंसिटाइजर हो गया, वो अपन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके एक्सरसाइज एंड डाइटी मैनेजमेंट और एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अपन देख रहे हैं, सेकेंड फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया इसके मेडिकेशन के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सरसाइज, पेशेंट एंड फैमिली को मोटिवेट करना एक्सरसाइज के लिए डायबिटीज मेलाइटस के। एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, जो हमने डिस्कस की थी उसके बारे में पेशेंट को बताना। एक्सरसाइज एंड मेंटेन करना पेशेंट को, जो पेशेंट को हाइड्रेशन स्टेटस है वो देखना, पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मॉनिटर करना। डाइट अपन एक्सरसाइज पढ़ा, देन अपन पढ़ते हैं डाइट मैनेजमेंट। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर अपना गोल इम्प्रूव करना है पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कंडीशन के लिए। प्रोटीन जो डाइट के अंदर दे रहा है और जो फैट का लेवल उसको पेशेंट को इंक्रीज करना है। प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बताना है पेशेंट को। अवॉइड अगर शुगर या टी में दे रहा है शुगर तो उसको पेशेंट को कहना है कि उसको कम करना, मिनिमाइज करना। चाहे ब्लड ग्लूकोज लेवल करना, जो रेगुलर जो लेवल है पेशेंट का रेगुलेट करना, जो कैलोरीज रिड्यूस करना, जो ओबेस पेशेंट है उनके लिए डाइट को बताना। जो इंसुलिन अपन एडमिनिस्टर करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के लिए अपने पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके बताना कि इंसुलिन की सीरिंज के बारे में और पेशेंट को कितना इंसुलिन कितनी यूनिट में लेना है वो अपने को डॉक्टर बताएंगे और फिर पेशेंट को अपन को डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है कि आपको इंसुलिन कैसे लेना है। फिर अपन क्या करेंगे, जो इंसुलिन सीरिंज है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग आती है, जो ओबेस पेशेंट है उनको लॉन्ग एक्टिंग, जो ओबेस नहीं है उनके लिए शॉर्ट एक्टिंग। इसलिए 0.25 ml से लेकर 0.30 ml 0.50 ml 1 ml को अंदर तक उसकी चीज की जो गेंद है वो आती है। देन अपन देखते हैं इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन, जो उसको टेम्परेचर होता है वो 36 degrees to 86 degrees तक होता है। कंटिन्यू में जो रूम टेम्परेचर को उसको 30 degrees तक अपन रख सकते हैं, 30 days तक उससे एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। इसके अंदर जो अपन ने पढ़ा इसका डाइटी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को अपने को सर्जिकल मैनेजमेंट है पेशेंट को, उसमें अपने को क्या करना है, जो पैनक्रियास ट्रांसप्लांट हुआ जैसे बीटा सेल्स की मतलब उसके अंदर काम नहीं करनी है, और IDM जो टाइप फर्स्ट है डायबिटीज का वो भी नहीं करा, उसमें से बीटा सेल्स पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स डेल्टा सेल्स और वो होती है, इस वजह से अपने इंडिकेशन है कि पेशेंट को इम्प्रूव करना। ये अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट पैनक्रियास जो पेशेंट के अंदर है वो वन फिंगर उसको हमने अगर रिमूव कर दिया है तो अपन क्या करेंगे, तो पेशेंट को अपन बताएंगे इसके बारे में। देखिए अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का इंटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, पेशेंट को अपने पेशेंट के वाइटल साइन है वो मतलब वाइटल साइन में क्या है बीपी टेम्परेचर पल्स वो मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का एडमिनिस्ट्रा आई प्रूव करेंगे प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फिजिशियन के द्वारा। फिर अपन क्या करेंगे, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल करेंगे पेशेंट को, जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अपन पेशेंट को सेल्फ एजुकेट करेंगे और अपन करेंगे एनकरेज करेंगे पेशेंट को केयर के लिए। सो देन ये अपना टॉपिक आज कंप्लीट हुआ डायबिटीज मेलाइटस का, अपन ने डिस्कस किया था इसका मीनिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, इसके एटियोलॉजिकल कारण एंड रिस्क फैक्टर अपन ने डिस्कस किए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे अपन ने, इसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन देखा, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, फार्माकोलॉजिकल देखा, देन अपन ने इसका सर्जिकल देखा और अपन ने इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। थैंक यू।